Assalamu alaikum, 6th class. How are you, students? I am fine. I hope you are also fine, students. Students, हमने यूनिट नंबर 3 की जो है वो रीडिंग स्टार्ट की हुई है. आज जो है हम इसका टॉपिक जो है वो फिज़िकल लैंडस्केप एंड ह्यूमन बीइंग्स जो है वो कर रहे हैं. फिज़िकल लैंडस्केप एंड ह्यूमन बीइंग्स यानी तबई खदोहाल और इंसान का जो है वो आपस में क्या ताल्लुक है, ठीक है ना. इसमें आल्दो द प्लेन्स आर डेंसली पॉपुलेटेड, अगरचे जो हमारे हैं मैदानी इलाके वो बहुत ज़्यादा जो हैं वो गुंजान आबाद हैं, हो एवर ह्यूमन बीइंग्स आर आल्सो सेटल्ड इन माउंटेन्स एंड डेजर्ट्स, तमाम जो इंसान हैं वो जो है पहाड़ों पर और रेगिस्तानों पर जो है वो आबाद हैं, एंड हैव एडजस्टेड देयर लिव्स अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, ठीक है. और इन इलाकों के जो कुदरती माहौल के मुताबिक उन्होंने अपने क्या है ज़िंदगी को ढाल रखा है, एडजस्ट कर रखा है. लेट अस हैव अ लुक, इसकी तरफ हम देखते हैं. सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, माउंटेन्स के बारे में. माउंटेन्स, पीपल लिविंग इन माउंटेन्स आर फिज़िकली स्ट्रॉन्ग. पीपल लिविंग इन माउंटेन्स, जो लोग माउंटेन्स पहाड़ों में रहते हैं, आर फिज़िकली स्ट्रॉन्ग, मजबूत होते हैं. फिज़िकली जिस्मानी तौर पर वो मजबूत होते हैं. बिकॉज दे लिव्स इन डिफ़िकल्ट टेरियन, ठीक है, क्योंकि वो मुख्तलिफ जो है माहौल में, मुश्किल माहौल में जो है वो ज़िंदगी जो है वो गुजारते हैं, ठीक है ना, एक मुश्किल माहौल में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं. नो फ्लैट लैंड इज़ अवेलेबल इन माउंटेन्स, पहाड़ों पर जो वसी हमवार जो है सतह वो दस्तयाब नहीं होती है. दैट इज़ वाई स्लोप्स आर कट इन टू टेरेसिस फॉर स्मॉल स्केल कल्टिवेशन. कल्टिवेशन का मतलब होता है काश्त के लिए आप सम क्रॉप्स लाइक मेज़, राइस, टी एंड फ्रूट्स वगैरह, ठीक है ना. पहाड़ों पर जो है वसी हमवार सतह दस्तयाब नहीं होती है, इसलिए जो स्लोप्स होती हैं, ढलानें होती हैं, ढलानों को किसकी कट किया जाता है इनटू टेरेसेस फॉर स्मॉल स्केल, यानी इनको ढलानों को जीने के अंदाज में काट कर क्या किया जाता है, सम क्रॉप्स छोटे छोटे जो है वो खेत बनाए जाते हैं और उनमें क्या है महदूद पैमाने पर जो है वो फसलें जो है वो उगाई जाती हैं, ठीक है ना. छोटे स्केल पर महदूद पैमाने पर फसलें उगाई जाती हैं जिनमें क्या है मकई है, ठीक है ना. मेज़ का मतलब होता है मकई होता है, राइस, चावल, टी, चाय और फल वगैरह जो है वो शामिल हैं. हम जो है वो नेक्स्ट पेज पर आते हैं. नेक्स्ट पेज पे अगला इसका पॉइंट है, विंटर्स आर रिजर्व्ड इन माउंटेन्स वाइल समर्स आर प्लेजेंट. जो विंटर होता है पहाड़ों पर, सर्दियों का मौसम क्या होता है, खुशगवार होता है, जबकि जो है पहाड़ों पर जो सर्दियां जो होती हैं वो उनका मौसम जो है वो भी कुछ ज़्यादा सर्दी होती है, ठीक है ना. लेकिन जो गर्मियों का समर होता है वो भी जो है वहाँ पर खुशगवार होता है. लाइफ बिकम्स पैरलाइज्ड ड्यूरिंग स्नोफॉल, बर्फबारी के बाद जो है वो ज़िंदगी क्या होती है, मफलूज होकर रह जाती है. ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लैट लैंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिवेल्प रोड एंड रेलवे नेटवर्क. सतह जो है हमवार ना होने की वजह से क्या होता है, सड़कों और रेलवे लाइनों का जो जाल बिछाना होता है वो मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना. यानी पहाड़ों में जो सड़कें हैं और रेलवे लाइन्स जो हैं वो उनका जो है वो मुश्किल हो जाता है, उनको डेवलप करना मुश्किल हो जाता है. फॉरेस्ट आर फाउंड इन माउंटेन्स, पहाड़ों में क्या है घने जंगलात पाए जाते हैं. सो वुड कटिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसलिए जो लकड़ियाँ काटना जो है हमारा मुआशी जो है वो हमारी सरगर्मी है. माउंटेन्स आर कंसिडर्ड ब्यूटीफुल टॉरेस रिसोर्स इन द वर्ल्ड. पहाड़ी इलाके में जो दुनिया की खूबसूरत सियाहती मकामात होते हैं, उनको पहाड़ी इलाकों को सियाहती मकामात में जो है शुमार किए जाते हैं, यानी सैर व तफरी वाले मकामात में पहाड़ी इलाकों को शुमार किए जाते हैं. आज जो है हमारा ये टॉपिक इतना ही काफ़ी है. अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे ग्रुप में डिस्कशन कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़.